हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका, हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जिसमें हमने भारत में संवैधानिक विकास और उसके बाद हमने संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आज हमको संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज क्वेश्चन सॉल्व करना संविधान की प्रस्तावना पर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, मतलब कि किसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है कि वो उसकी प्रस्तावना है। तो मैं आपको बता दूं, वो हमारा हो जाएगा ए, प्रस्तावना। देखो, जो हमारे ठाकुर दास भार्गव जी थे उन्होंने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो आप याद रखिएगा प्रस्तावना को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पे। तो इसकी प्रस्तावना पर, देखो मैं आपको बता दूँ प्रस्तावना क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप किसी बुक को पढ़ने जा रहे हो, लेकिन प्रस्तावना उसकी एक शॉर्ट में दे रखा है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो उसी को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाना होगा, इसलिए इन लोगों ने किस पर ध्यान दिया था, इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से, इसमें पूछा गया है। तो आपको क्लियर बता दूं, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें शब्द लिख रहे हैं हम भारत के लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसलिए हम कहते हैं भारत में जनप्रिय संप्रभुता है यानी सोवरेनिटी है, क्योंकि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हम जो स्टार्ट की लाइन है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। तो इस तरह भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिख रखा है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे टाइम टू टाइम एक इलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से राज्यों में जो है सरकारें चुन के आ रही हैं, इस वजह से हमारे देश को, भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी। अब नेक्स्ट दे रखा है, भारत है एक, क्या बोला गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जो हमारे संविधान की में प्रस्तावना है उसमें क्लियर दे रखा है हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि भारत किसी एक धर्म को राष्ट्र विशेष नहीं करता कि हमारे भारत का ये धर्म है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसलिए इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 5th का वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकारा गया है, नहीं, धर्मनिरपेक्ष, आप इसको अगर इसका संधि करें तो क्या निकलता है, ऐसा राष्ट्र जहाँ पे सभी धर्मों को अपनाया जाता है, किसी एक विशेष के लिए जगह नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी एक मतलब कि धर्म विशेष को स्वीकार ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य क्या दे रखा है, धर्म विरोधी नागरिकों का संबंध करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का संपर्क करते हैं, इस तरह तो अगर हम कहें बहुसंख्यक समुदाय जैसे हमारे हिंदू धर्म है, क्या अकेला उसकी बात करता है, तो नहीं, अल्पसंख्यक की बात नहीं करता, जबकि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ये सभी धर्म को लेकर चलने की बात करता है। तो इसका आंसर हम हो जाएगा 7th का डी।
अब 8th क्वेश्चन हमारा दे रखा है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रीय राज्य? बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हमारा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना चुन कर आए, मतलब कि जो इलेक्शन हो, कभी ऐसा ना हो कि जिसका मतलब जो इस समय मंत्री है उसका बेटा ही नेक्स्ट उसकी पीढ़ियां जो हो वही मंत्री बने। इसलिए राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब हेरिडिटरी सिस्टम ना हो, ये जो है वो चुनाव जो हो और जो अध्यक्ष हो वो चुन कर आए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा गणतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे, ठीक है, इसमें जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं उस टाइम पर, तो इसमें क्या बोला गया है हमारा कि जो हमारा देखो ये जो दे रखा था मैंने आपको बताया पहले से जो दे रखा था वो क्या दे रखा था? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जबकि ये जो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष वर्ड हैं ये दोनों ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़े गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो याद कर लो वही एक लाइन, हम भारत के लोग, या फिर हम भारत के लोग संपूर्ण प्रमुक्त संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य हैं। तो ये हमारा किस में दे रखा है? 10 के C में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वंशानुगत शासक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए, समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। तो याद रखें, लोक कल्याण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, मतलब क्या है कल्याणकारी राज्य का, मतलब क्या दे रखा है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों का स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रबंध की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो राज्य का अध्यक्ष होगा या राज्य के मुख्यमंत्री होंगे या जो मेन लीडर होंगे उनका चुनाव होकर आता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले सार्वभौम आएगा, देन सत्ता संपन्न आएगा, उसके बाद समाजवादी आता है, धर्मनिरपेक्ष आता है, और जनवादी गणतंत्र आता है। ये जो है आप याद रखिएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, सबसे पहले तीन सा से याद रख लो, सार्वभौम, सत्ता संपन्न और समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। अब इसमें पूछा ये जो सेक्युलर है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उस उपासना की स्वतंत्रता। तो आप इस वर्ड का मतलब याद करें, सेक्युलर का मतलब होता है सभी लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको अपना अपना धर्म मानने और उपासना की स्वतंत्रता दे रखी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम इंग्लिश में सेकुलर ही कहते हैं, ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अभी मैंने बताया था कि आपको दो शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया है कब ये सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। तो क्या ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया? तो ये तो बात बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा? गलत है। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह मूल प्रस्तावना में था? नहीं, जब हमारा मूल प्रस्तावना यानी जब प्रस्तावना बनी थी ये उसमें नहीं था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट और थ्री, तो ये हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ निकलता है?
भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है या फिर संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है? तो आपको मैं बता दूं, यही आंसर सही है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसलिए आता है हम भारत के लोग। ओके, समाजवाद का अर्थ है क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक स्पर्धा या सामाजिक न्याय। तो याद रखें, समाजवाद मतलब समाज में जितने भी लोग हैं उनका न्याय, तो सामाजिक न्याय होगा इसका अर्थ। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, देखिए मैंने आपको अलग अलग सूचियां बताई थी जिसमें मैंने आपको राज्य, केंद्र, समवर्ती और अपशिष्ट सूची बताई थी, ठीक है, जो कि हमारी किस में आती है, सातवीं अनुसूची में आती है। अब पूछा गया है कि ये जो समवर्ती सूची है जिसमें ऐसे कार्य जो केंद्र के भी होंगे और साथ ही साथ राज्य के भी होंगे, ठीक है, उनको हम किस में रखते हैं, समवर्ती सूची में, तो ये किसके संविधान से लिया गया है, पूछा गया है, यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था हमने, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? सार्वभौमिकता किससे है? तो आप याद रखें, हम भारत के लोग शब्दों से ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति पर प्रभाव नहीं झलकता है? याद रखो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उस पर किसका प्रभाव नहीं देखा जाता है, तो इसका प्रभाव नहीं देखा जाता है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति 1912, बाकी का देखा जाता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य था? देखो ये जो दो वर्ड हैं ये तो आपको मैंने बता दिया, ये वाले दो वर्ड धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम इसकी प्रस्तावना में देख सकते हैं, जो भी भारतीय लोकतंत्र के आदर्श वाक्य हैं या आदर्श चीज़ों को हम प्रस्तावना में देखा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस वर्ड को जोड़ा नहीं गया था? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता की, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात कही थी, लेकिन गुटनिरपेक्ष की बात कहीं भी नहीं की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बिल्कुल गलत, ये 1946 में किया गया, ठीक है। उक्त शब्द यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1976 में संशोधन जोड़ा गया, सही है। उक्त शब्द 1985 में बिल्कुल गलत, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र को या वंशानुगत लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक राजतंत्र को या लोकतांत्रिक गणतंत्र को? तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों की तरह अपनाया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो याद रखें, ये पूरा जो शासन चल रहा है उसमें क्लियर प्रस्तावना ने दे रखा है कि भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, ये सारा हमारा प्रस्तावना में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, तो इसमें देख लेते हैं कहाँ की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या फिर मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में, कहीं नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी,
क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श दे रखे हैं वो साथ ही साथ मूल अधिकार में भी दे रखे हैं, जबकि जो DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें भी, और साथ ही साथ जो मूल कर्तव्य हैं मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें भी दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णता शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पूर्णता शामिल हमारा प्रस्तावना में ही किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, ये पूछा है। तो संविधान का स्रोत या फिर शासन के ध्येयों का विवरण, तो ये तो दे रखा है। संविधान को लागू करने की तिथि, ठीक है, इसको याद रखें, ये प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में दे रखी है। याद रखें, तीन न्यायों की बात की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। साथ ही साथ पांच वर्ड दे रखे हैं स्वतंत्रता के, वो क्या दे रखे हैं? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता दे रखी है। जबकि समता मतलब समान अवसर कहाँ मिलेंगे, किसी भी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी प्रस्तावना में दे रखी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहीं भी नहीं दे रखी है प्रस्तावना में। ये जो दे रखा है ये हमारे DPSP में दे रखा है, इसलिए आप याद रखें कि प्रस्तावना में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति या सुरक्षा की बात नहीं है, ये DPSP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत या फिर भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, या भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में दो वर्ड दे रखे हैं, एक भारत जो कि आर्यों ने दिया था, साथ ही साथ इंडिया जो इंडस नदी ग्रीक की वजह से पड़ा था, जिसका नाम, ये जो ग्रीक के लोग थे ये सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, इस कारण से इस देश का नाम इंडिया पड़ा था। तो यहाँ पे जो हमारी प्रस्तावना है उसमें दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकार है? तो ये किसके द्वारा स्वीकार होगा, सबसे मेन कौन है? भारत की जनता द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ये भी हमारी संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो हमने लास्ट में जब संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे उसमें हमने ये क्वेश्चन देखा था, और ये हमने लास्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और इस दिवस को हम विधि दिवस या संविधान सभा दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो ये हमारा कब हुआ था, मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये भी हमारा 26 नवंबर 1949 रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुक्त संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो गणराज्य कब बनेगा? जब भी हमारा संविधान लागू होगा, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1950 में। तो तभी हमारा देश जो है प्रभुत्व संपन्न, क्योंकि हमारा संविधान हो गया है ना, और संविधान के थ्रू हम चुनाव करने लग गए और वो सब, तो ये कब से स्टार्ट हो गया हमारा? 1950 से। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, जो संविधान की उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है उसको सिर्फ अभी तक एक बार ही संशोधित किया गया है, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसके थ्रू क्या जोड़ा गया था? एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? वही 1976 में। अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, देखिए इसमें सभी चीज़ दे रखी है, अगर आप इस वाक्य से कई चीज़ याद हो जाएंगी। सबसे पहले देखो, क्लियर क्लियर दे रखा है हम भारत के लोग, उसके बाद किस किस वर्ड का यूज़ किया गया है भारत के लिए? एक संपूर्ण,
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी आ गया, जो कि जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष आ गया लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने न्याय की बात करी है, देखो तीन न्यायों की बात करी गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। वहीं पांच बात की गई है किसकी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, है ना। और ये स्वतंत्रता दी गई है पांच अपनी प्रस्तावना के अंदर। साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात भी की गई है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश द्वारा इस संविधान को अंकीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है मतलब किस डेट को यह लागू किया गया, इस ये कब मतलब ये कौन सी डेट दी गई। तो आप याद रखें ये जो हमारी डेट थी 26 नवंबर 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो सामाजिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन पूजा की समानता की बात कहीं भी नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, 26 नवंबर 1949 को अंकीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इस टाइम पे क्या क्या सम्मिलित नहीं थे, देखो एक तो समाजवादी नहीं था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जबकि गणराज्य था तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका या कहें प्रस्तावना के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। सबसे पहले दे रखा है पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्य उद्देशिका बना, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कब किया था, हमारी 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये बात सही हो जाती है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात न्याय योग्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका संशोधन हो चुका है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन किया गया। तो इसका आंसर तो पता है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता है, तो कौन सी चीज़ होगी, ये हमारी प्रजातंत्र है जिसके थ्रू वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार प्रदान कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को कब जोड़ा गया, ये फिर से रिपीट हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ तो ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया, तो देखो जोड़ा गया था तो ये समाजवाद ही जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये क्लियर संविधान की प्रस्तावना में दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है, सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। वहीं भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, तो ये है भारत के लोग। इस तरह हमारा संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे संविधान की विशेषता पर। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।